नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त राजगीर में हम पहुंच चुके हैं और बिहार चुनाव का सर्वे लगातार आपको दिखा रहे हैं राजगीर में किस तरह की स्थिति बन रही है। उससे पहले राजगीर का एक नज़ारा देखिए। राजगीर अपने आप में कई इतिहासों को समेटे हुए है और यहाँ पर जिस तरह से कई तरह की चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई है कि नालंदा में आपको कई तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है और राजगीर की भी अपने आप में कई अमिट छाप छोड़ी हुई है। इतिहास के पन्नों को भी पलटकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ियों का शहर भी इसे कहा जाता है। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर राजगीर में इस बार चुनाव को लेकर किस तरह की हलचल है और यहाँ के लोग किस तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत करते हैं। आप राजगीर के ही रहने वाले हैं? जी सर। तो यहाँ किस तरह की स्थिति बन रही है, किसकी सरकार आप बनाने वाले हैं? यहाँ बीजेपी एनडीए की सरकार बनने वाला। एनडीए का सरकार बना रहे हैं। एनडीए से उम्मीदवार कौन है आप? कौशल किशोर है। और आरजेडी से? कांग्रेस से? कांग्रेस से रवि ज्योति, जो पूर्व विधायक है। पूर्व विधायक रवि ज्योति यहाँ से एनडीए के महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और एनडीए के उम्मीदवार जोशी साहब हैं। आप भी यहीं रहते हैं? रहते हैं हम यहीं, घर नहीं पड़ता मुझको। अच्छा, यहीं रहते हैं लेकिन ये नहीं पता। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर रहते हैं तो सारी समस्याएं और व्यवस्थाएं भी देखते होंगे। कौन सी सरकार आपको बेस्ट है? इंडिया के लगता है नीतीश कुमार बेस्ट है यहाँ के लिए। आप लोग यहीं रहते हैं? ये काफ़ी युवा हैं। और चलिए कुछ दुकानदारों से भी बातचीत करते हैं। इधर का पूरा एरिया दिखाते हुए चलते हैं हम चौक की तरफ और चौक पर कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। काफ़ी बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। राजगीर में हम हैं और राजगीर की पूरी स्थिति जो है, राजगीर विधानसभा में आखिर कौन अव्वल रहने वाला है, कौन छलांग मारने वाला है। लगातार बिहार चुनाव पर हम आपको विशेष यहां से दिखा रहे हैं कि बिहार में किस तरह की इस बार स्थिति बनने वाली है। और इसके लिए हमने लगातार कई विधानसभा का रुख आपको स्पष्ट करने की कोशिश की है। यहाँ काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं और राजनीति चर्चा तो होती ही होगी, इन लोगों से बातचीत करते हैं। दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है। 3 तारीख को ही वोटिंग होगी ना यहाँ? जी हाँ, 3 तारीख को वोटिंग होगी। इस बार कैसा लग रहा है बाबा, आप लोग किसके साथ? हम लोग नीतीश जी के साथ। नीतीश जी के साथ हैं। हम किसी को नहीं कहेंगे, हम चुनावी सर्वे पर निकले हैं और आप लोगों से विशेषता कुछ नहीं बता सकता है। अच्छा, आप बताइए कि नीतीश जी यहाँ के लिए क्यों बेस्ट? यहाँ के लिए विकास बहुत किए हैं, ऐसी बात नहीं है। विकास पुरुष तो है, ये है, क्षेत्र में विकास बहुत हुआ है। आप बताइए सर, कैसा स्थिति आपको लगता है कि राजगीर में रहने वाला है? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी सरकार बना रहे? हम इसकी सरकार बनाएंगे जो वंशवाद नहीं चलाता है, जो अपने वंशवाद को नहीं अति करता, जो समाज को देखता है, जो सारा देश को देखता है, उसी व्यक्ति को हम वोट दूंगा। यहाँ पे है कोई वैसा? परी यही है कि यह नीतीश जी की ही वोट यहाँ पड़ेगी, नीतीश जी की ही वोट बनेगी, क्योंकि नीतीश जी वंशवाद नहीं करते हैं। राजगीर की स्पष्ट स्थिति आप देख रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोगों से हम यहाँ पर रुक कर, आगे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है और यहाँ पर रुक कर हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, इनसे बात जान लेते हैं। आप कहाँ रहते हैं? राजगीर में रहते हैं जी। राजगीर के ही निवासी है, कहीं बाहर से? नहीं, राजगीर में। तो राजगीर में है? राजगीर में। आप लोग बताइए, आप लोग युवा हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो रहनी चाहिए नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के रहनी चाहिए। विधायक कौन होना चाहिए? विधायक तो अभी एक तो जुमलाबाजी करके गया है रवि ज्योति, जो कि अगला साल जीत के गए थे यहाँ से, अब फिर कांग्रेस से टिकट लेकर आए हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो देखिए, लगातार हमने राजगीर की स्थिति आपको स्पष्ट करने की कोशिश की है और चौक चौराहे से आपको ग्रामीण क्षेत्रों की भी भाषा समझ में आ जाएगी कि चौक चौराहे पर लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई जगह के लोग होते हैं और वो आपको स्पष्ट रूप से एक आकलन दे सकते हैं। तो इस सीट को आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए मजबूत स्थिति में है। लगातार बिहार चुनाव के लिए हम लगे हुए हैं और आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन बालकिशन के साथ अभिषेक कुमार।